अभी आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं पुलिस की वर्दी में सिंगम लेडी का रुतबा दिखा रही युवती, आपको कहें ये असली पुलिस नहीं नकली पुलिस वाली है तो एक बार आप भी चौंक जाएंगे। पुलिस की वर्दी का ऐसा जुनून चढ़ा कि सही रास्ते से मुकाम नहीं मिला तो चुन लिया एक ऐसा रास्ता जो बन गया बवाल। फर्जी तरीके से 2 साल तक राजस्थान पुलिस एकेडमी में कर ली पुलिस की ट्रेनिंग। इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि राजस्थान पुलिस एकेडमी में जब इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो पूरे प्रदेश भर में हड़कंप मच गया। आइए अब जानते हैं इस फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर मोना बुगालिया की सनसनीखेज कहानी। नागौर जिले के निम्बा के पास के साधारण परिवार में जन्मी मोना के पिताजी ट्रक ड्राइवर का काम करते हैं। मोना ने पुलिस इंस्पेक्टर बनने के सपने को लेकर पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए तैयारी की। जब रिजल्ट आया तो उसको पता चला कि उसे नाकामी मिली, लेकिन इसकी भनक किसी और को नहीं निकलने दी। उसने सोशल मीडिया पर इस तरह की भ्रामक हवाएं फैलाई कि उसका सब इंस्पेक्टर में चयन हो गया है। लेकिन उस दिन से उसने ठान लिया कि सही तरीके से अगर पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बना जा सकता तो इसके लिए किसी भी कदर तक वो चली जाएगी। और उसने राजस्थान पुलिस एकेडमी की कमियों का फायदा उठाते हुए राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग में दाखिला लिया और पुलिस अफसरों को गच्छा देते हुए करीब 2 साल तक फर्जी तरीके से सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग करती रही। पुलिस एकेडमी में 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, एक नियमित अफसर को ट्रेनिंग दी जाती है, दूसरी स्पोर्ट्स कोटे में चयनित अफसरों को ट्रेनिंग दी जाती है। जब उसको नियमित वाले पूछते कि कौन से कोटे से, तो बता देती कि स्पोर्ट्स कोटे से वो ट्रेनिंग कर रही है। जब स्पोर्ट्स कोटे में पूछते कि कौन से कोटे से, तो वो बता देती कि नियमित कोटे से वो ट्रेनिंग कर रही है। अब आपके मन में ये सवाल भी उठला लाजमी है कि उसकी अटेंडेंस लगती तो वो क्या जवाब देती। तो आपको बताएं कि मोना इतनी शातिर थी कि वे कभी इंडोर क्लास अटेंड नहीं करती, क्योंकि उसको पता था कि जब अटेंडेंस लगेगी तो उसकी जो है करतूत है वो सामने आ जाएगी। इस दौरान मोना ने पुलिस अफसरी का जमकर रोब दिखाया। वे अपनी सफलता की कहानियाँ कोचिंग क्लास में पढ़ रहे बच्चों को बताती कि किस प्रकार से उसने संघर्ष करके ये मुकाम हासिल किया है। साथ ही मंदिरों में दर्शन करने जाती तो VIP तरीके से दर्शन करती, पुलिस के बड़े बड़े अफसरों के साथ टेनिस खेलती नजर आई, वहीं पूर्व DGP परिवार के साथ डिनर पर नजर आई। लेकिन मोना की एक गलती उसकी सारी काली करतूत सामने लेकर आ गई। हुआ यूं कि पुलिस एकेडमी के सब इंस्पेक्टर ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उस व्हाट्सएप ग्रुप पर किसी सब इंस्पेक्टर से उसकी कहा सुनी हो गई। उसने यहां तक उसको कह दिया कि तुझे पुलिस ट्रेनिंग से बाहर करवा दूंगी। इसी को लेकर सब पुलिस इंस्पेक्टर ने इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी कि मोना की कहानी है क्या। उन्होंने पता किया कि मोना बुगालिया का नाम किसी कोटे में दर्ज नहीं है। इसकी शिकायत उन्होंने उच्च अधिकारियों से कर दी, जिसकी पड़ताल करने के बाद भी ये करतूत सामने आ गई। इसको लेकर पुलिस एकेडमी की ओर से मोना के खिलाफ जयपुर के शास्त्री नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अब ये घटना अनेक सवाल खड़े करती है कि इस पूरी करतूत में मोना की तो सबसे बड़ी गलती है, साथ ही राजस्थान पुलिस एकेडमी की इतनी खामियां है कि 2 साल तक फर्जी तरीके से पुलिस इंस्पेक्टर की वो ट्रेनिंग कर ली और इस 2 साल में मोना को वो पकड़ नहीं पाए। अगर आप इस खबर के बारे में अपना विचार रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।